अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम है वेरी स्पेशल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में है वेरी ब्यूटीफुल, प्रीटी एंड पावरफुल लेडीज। तो जल्दी से आपके साथ तारुफ करवाते हैं अपनी प्यारी प्यारी सी गेस्ट का, हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट है, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम ग्लैमरस भी है। तो हमने आज इन्वाइट किया है अपने प्रोग्राम में एक मॉडल एंड एक्ट्रेस को, निशा चौधरी है हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं। वार्मली वेलकम। थैंक यू निशा। आप बताइए कितना टाइम हो गया है आपको एज मॉडल काम करते हुए? एज अ मॉडल काम करते हुए मुझे 2 इयर्स हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने इस शॉर्ट से टाइम में कमर्शियल्स भी बहुत किए हैं। जी ऐसा ही है, मुझे असल में शौक बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि मैं काम करती रहती हूँ, मुख्तसर काम करती हूँ लेकिन करती हूँ। अच्छा, निशा को स्टार्ट से ही मॉडल बनने का शौक था, या फिर टाइम के साथ किसी को देख के ये शौक आया कि हाँ मुझे मॉडल? नहीं, बचपन से ही ना सब मुझे कहते थे कि मॉडल है मॉडल है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था ड्रेसिंग करने का, पहनने का और स्टाइलिंग करने का। तो इस वजह से एक्टिंग और मॉडलिंग, इसमें से ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, आपको पर्सनली ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे दोनों काम करते हुए बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ, और मेरे लिए तो दोनों ही बहुत मज़े के हैं। वैसे पर्सनली अगर देखा जाए तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, जब आपको लोग देखते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं एज मॉडल देखते हैं, वो एक ऐसा क्लिप होता है कुछ मिनट्स का होता है, या वो जो एक पिक होती है, एक पिक्चर होती है, जो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, आज ये आप बताएंगे? क्योंकि देखने वाले को लग रहा होता है कि ये तो बड़ा कुछ मिनट्स का काम है और बड़ा ईजी है और हम तो ईजिली बन सकते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, आउटडोर शूट हो, और जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो और उसमें शूट्स हो, क्या फीलिंग्स होती हैं? जो कहता है ना कि बहुत इजी है, तो फिर वो ये वाला काम करे फिर पता चलेगा। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, स्पेशली जब हील्स पहन के आपको एट ए टाइम 10-10 यू नो आपको चेंज करना पड़ता है बैक टू बैक ड्रेसेस, तो पता लग जाता है आपको। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, मॉडल तो होती ही टोटल फुल पैकेज एक्सप्रेशंस का, यहाँ पे आपके सामने कैमरा है, 5 एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे एक्सप्रेस करके दिखाने हैं। सबसे पहले सैड। अच्छा ओके, क्विक। अब हैप्पी। अच्छा, इसके बाद एंग्री। ओके, इसके बाद और हम क्या निशा को देख, कंफ्यूज्ड। अच्छा, और इसके बाद जब रोया जाए तो कैसी निशा लगती है? मैं तो फुल रेड हो जाती हूँ। और तो हमें थोड़ा सा डेमो देना है, जो 5वां एक्सप्रेशन है वो है रोती हुई निशा। ओह माय गॉड, बस बस बस, इससे पहले कि निशा असल में रो पड़े, वेरी वेल डन, वेरी जबरदस्त। निशा की जो फिटनेस देख के लगता है कि सिर्फ गुस्सा ही पीती है, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती, बिल्कुल जिम नहीं करती, बस आप गुस्सा पीती हो, एक ही चीज़ है जो कि मैं सब कुछ खाती हूँ। तो मुझे बाकी लड़कियाँ देख के कह रही होती है, यार हम इतना फिट रहने के लिए इतना इतना कुछ करते हैं, तुम मतलब सी पाई खा रही हो, तुमने हारी खा रही हो, ऐसे तुम बैठी हुई मजे से। तो मैं जानबूझ के और खाती हूँ, बिरयानी खाती हूँ, जो दिल करता खाती हूँ। आपका ऑफ स्क्रीन बिहेवियर? ऑफ स्क्रीन बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ज़्यादातर जो मॉडल्स होती हैं बहुत रूड होती हैं, उनको मतलब लोग जिनके साथ काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी से जान छूटे, जल्दी जल्दी जाए अपने घर काम करके। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको अच्छा आना चाहिए अपने साथ, जब आप किसी के साथ काम करते हो उनके साथ फ्रेंकली बिहेव करो, ताकि आप भी आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो और उनका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो। वेरी ट्रू। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम एज यूजुअल एंडिंग के साइड पे आ गया। निशा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? खुश रहें और खुश रहने दें, दूसरों से जेलस ना हो। जेलस ना हो जी, बहुत शुक्रिया निशा आपका, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड पे आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब बातों का मकसद यही होता है कि आप उन सब लेडीज़ को देखें कि अपने प्रोफेशन में कैसे काम कर रही हैं, और आप उनसे कुछ सीख सकें और इंस्पायर होकर फील्ड में आ सकें। यहाँ पे इसी बात के साथ लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।